पहले तो मैं सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों को आज भाजपा के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। 44 साल हमारी पार्टी ने पूरे किए हैं। 1980 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई और आज 2024 है। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे जितने महान विभूतियां हैं उनकी मेहनत के कारण आज पार्टी यहां पर पहुंची है। मेरे साथ आज इस मीडिया के रूबरू होने में यहां के अध्यक्ष जावेद भाई, यहां के MLC रफीक शाह जी और यहां पर सभी कार्यकर्ता भाई, मीडिया के जितने भी थे उनके साथ बैठक थी। मीडिया की अहम भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में चुनाव में, उनको कैसे काम करना है, मीडिया का क्या रोल रहेगा और मीडिया फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, ये उन लोगों को बताया गया। कार्यकर्ताओं के व्यूज को समझा और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया कि पिछली सरकारों ने क्या किया जम्मू कश्मीर में और हमारी सरकार ने क्या किया। पिछली सरकारों ने उनको वोट देने के बाद उनकी उंगलियां काट दी, ये सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ बताया। और हमारी सरकार ने कहा कि जो इनकी उंगलियां काटेगा हम उन्हीं को काट देंगे, ये हमारी सरकार का बदलाव देखने को मिला। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म अगर किसी ने कहा था वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। उग्रवादियों के साथ कोई शराफत नहीं बरती जाएगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाएगा, पाकिस्तान को उसकी हद में रखा जाएगा, पाकिस्तान हमारे कश्मीर में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके लिए मोदी जी ने कदम उठाए हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है और सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी नतीजे निकले प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। कश्मीर अगर तरक्की की राह पर 2019 के बाद से लगातार बढ़ रहा है उसमें कहीं रुकावट ना हो और मोदी जी के हाथ में सरकार आए। सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि हम मेहनत करें और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। देखिए हम पांचों सीटों के लिए काम कर रहे हैं। कश्मीर भी हमने कहा कि भारत का अभिन्न अंग है, उसके लिए हम तरक्की की राह पर वो चले उसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग समझ गए हैं कि पिछली सरकारों ने उनके युवाओं को कब्रिस्तान तक पहुँचाया, पिछली सरकारों ने उनके युवाओं को गन हाथ में थमाई और आज की सरकार ने लैपटॉप थमाया है, पेन थमाया है, ये लोग समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा सरकार बने, यहाँ पर हमारे सारे MPs चुनकर आए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना निवेदन यहाँ की जनता से करना चाहूंगी, जो कश्मीर की जनता है, भाजपा आपके लिए 2400 घंटे खड़ी है मगर आपका सहयोग हमें जरूरी चाहिए और आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए काम किया किसने, आपके खातों में पैसा डाला किसने, 2014 से पहले कश्मीर की हालत थी क्या, ये आप लोग समझेंगे तो मुझे लगता है कि कश्मीर भी एक बार फिर से तरक्की की राह पर काम करेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री। कैंडिडेट की अनाउंसमेंट हमारे आला अधिकारी करेंगे, कब होगी कहाँ होगी मुझे लगता है वो उन पर छोड़ देना चाहिए। एक पार्टी की मीडिया इंचार्ज के नाते, पूरे प्रदेश को देखने के नाते, अलग अलग जिलों में मेरा जाना हो रहा है, उसी नाते से मैं कुपवाड़ा में आई हूँ। जब भी कैंडिडेट की अनाउंसमेंट होगी मुझे लगता है कि सारे कार्यकर्ता तैयार हैं इस बार BJP को वोट देने के लिए और यहाँ के अध्यक्ष इतने जुझारू हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखा है। इन पर यकीन रखिए कि यहाँ पर हम जीत करेंगे। पूरे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज राज करती रही हैं, भ्रष्टाचार करती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अलग अलग पार्टीज हो, उनके कैंडिडेट्स अपनी पार्टियां छोड़कर हमारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये NC से छोड़कर आए और उन्होंने किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात